टोटल वैकेंसी हो चुकी है 140। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे जो आरजेएस की वैकेंसी कल नोटिफाई हुई है। मैंने वीडियो बनाया था कल, आपको बता दिया था कि आरजेएस की वैकेंसी नोटिफाई हुई है 2023 की। तो लोगों के मन में डाउट था कि ये 57 वैकेंसी आएंगी क्या। तो ये मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे खूब सारे कि सर ये 57 वैकेंसी है, यही आएंगी क्या। तो मैं आपको नोटिफिकेशन भी लगा दूंगा और मैं भी एक बार देख लेता हूँ 57 ही है क्या। 57 वैकेंसी नोटिफाई हुई है कल। तो लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर ये 57 वैकेंसी आने वाली है जो अभी पेपर होगा, और पेपर कब हो सकता है, प्री क्या डेट रह सकती है। तो इस वीडियो में आज यही बात करेंगे कि कितनी वैकेंसी है टोटल वैकेंसी ही बताऊंगा, 57 वैकेंसी नहीं है, विदाउट स्किप करके देखना। और चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, मुझे पता चल जाता है YouTube आजकल बहुत एडवांस हो चुका है कि कितने आपके सब्सक्राइबर है, कौन देख रहा है, कितनों ने सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से पहले सब्सक्राइब करो, और Instagram आईडी आ रही होगी इसको ही फॉलो कर लो। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, मुझसे पूछ लेना। अब बात करते हैं वैकेंसी कितनी है। देखो पिछले साल 83 वैकेंसी नोटिफाई हुई थी और ये 57 वैकेंसी नोटिफाई हुई है, और ये दिसंबर 2023 तक की वैकेंसी है। हर साल नोटिफाई करता है हाईकोर्ट। मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो बनाया था कि आरजेएस जेएलओ एपीओ की वैकेंसी आएंगी। मैंने कहा था जनवरी फेब में नोटिफाई होंगी, कुछ ना कुछ हाईकोर्ट नोटिफिकेशन निकालेगा। तो देख लो फेब के स्टार्टिंग में ही निकाल दिया हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन। तो अब टोटल वैकेंसी हो चुकी है 140 का पेपर होगा। अब बात आती है कि पेपर कब होगा आरजेएस का। तो आरजेएस का पेपर होगा, ये मान के चलो आप, अगर आज भी मैं पेपर के लिए नोटिफिकेशन निकाल देता हूँ तो मान के चलो 3 महीने तो हाईकोर्ट लेगा, पर आज निकालेगा नहीं। तो कम से कम मान के चलो 5 से 6 महीने अभी भी प्री के लिए लगेंगे, क्योंकि अभी जो ट्रेनिंग, अभी जिनकी ट्रेनिंग चालू नहीं हुई अभी, यार कई बच्चों जो लास्ट बैच था उनकी ट्रेनिंग ही चालू नहीं करी इन्होंने। राजस्थान जुडिशरी की जो ट्रेनिंग लास्ट बैच था, जो पास आउट हुए थे, उनकी ट्रेनिंग चालू नहीं हुई अभी, उनकी होने वाली है। उनका अप्रूव भी हो गया हाईकोर्ट से, गवर्नमेंट को भेज रखा है, और जो गवर्नर के साइन वाइन हो जाएंगे वो चीजें सारी चीजें हैं, और उनकी ट्रेनिंग चालू होगी। तो आप मान के चलो 5 से 6 महीने आपके लगेंगे, 4-5 महीने भी हो सकता है प्री होने में। तो इतना टाइम है आपके पास, ये टाइम तो है, मिनिमम टाइम बता रहा हूँ मैं आपको, ये टाइम तो आपको मिलेगा। तो आरजेएस की वैकेंसी का मैंने आपको डिटेल में पहले ही बताते रहा हूँ, और ये भी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगी। और कोचिंग वाले तो बोलेंगे आज ही पेपर हो रहा है, आज ही पेपर हो रहा है, होने वाला है, होने वाला है। उनको तो क्या बैच खत्म करने होता है, जल्दी जल्दी बैच निपटाने होते हैं कोचिंग वालों को। तो वो तो यही बोलेंगे सर कि आज हो, मतलब आ जाओ अभी से ज्वाइन कर लो, आने वाला है, 2 महीने में हो जाएगा। पर नहीं, लगेंगे 4-5 महीने लगेंगे मान के चलो। ये कहीं से पूछा है मैंने, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। और मैंने पहले ही वीडियो में बोला है थोड़ा लेट ही होगा पेपर आरजेएस का, ऐसा नहीं कि हवा में बोल रहा हूँ मैं। तो ये मान के चलो थोड़ा टाइम लगेगा। अब बात आती है एपीओ और जेएलओ की, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा जल्दी, तो उसका भी वेट करें आप लोग, उसका भी मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगा। और चैनल से नए जुड़े हैं तो बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट है वापस सब्सक्राइब कर लो। मेरे चैनल पे काफी वीडियो है जुडिशरी के ऊपर, उनको भी देखो, उनको भी एंजॉय करो। मैंने यूपी का ही बता रखा है, बिहार का फैसिलिटी, दिल्ली की फैसिलिटी, राजस्थान की फैसिलिटी, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में क्या फैसिलिटी मिलती है सिविल जज को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सारे लिंक मिल जाएंगे आपको, उनको भी एंजॉय करो। और मैंने वहां के जजों से बात करके वीडियो बनाया। आप किसी जॉब में जा रहे हो तो आपको फैसिलिटी सैलरी पता तो नीचे क्या क्या मिलती है, फिर बाद में बोलो सर ये तो है ही नहीं, बड़ी टफ जॉब है। देखो सब चीजें दूर से अच्छी लगती हैं, जब पास जाओगे तब पता चलता है असलियत क्या है। तो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है सारी, तो उनको भी इंजॉय करें क्या क्या सुविधा है, क्या क्या फैसिलिटी है। और वेस्ट बंगाल का भी वीडियो आने वाला है, उड़ीसा का भी आएगा, और हिमाचल प्रदेश का भी आएगा। मेरे तीनों स्टेट के अधिकारियों से बात हो चुकी है, मैंने लिख लिया है, मैं बनाऊंगा, टाइम मिलेगा जब बना दूंगा। टाइम लगता है थोड़ा बहुत चीजों में, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। और चैनल से नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करें, और बताएं क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, वो भी कमेंट कर देना मुझे, मैं उस पर भी ट्राई करूंगा ये वीडियो बनाऊं। और आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।